आए दिन आप लोग सुनते रहते होंगे कि आज गांधी जयंती मनाई गई है, आज सुभाष चंद्र बोस जयंती मनाई गई है, विवेकानंद जयंती मनाई गई है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती मनाई गई है, नेहरू जयंती मनाई गई है। और उसके बाद आपने देखा है कि 28 जनवरी को लाला लाजपत राय की जयंती भी मनाई गई है। आप लोग देखते होंगे इन लोगों पर, जो भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, इन पर राजनीतिक पार्टियां अपनी रोटी सेंकती रहती हैं। ये लोग जाते हैं, फूल चढ़ा के आएंगे, उनकी जहां भी समाधि स्थल बना हुआ है। लेकिन आपको देखने को मिलेगा कोई भी पार्टी इन लोगों की विचारधारा पर कभी नहीं चलती है। आपने देखा होगा कि कांग्रेस खड़ी हो चुकी है, कांग्रेस कहती है कि मैं गांधी की विचारधारा पर चल रही हूं या फिर नेहरू की विचारधारा पर चल रही है। तो मैंने आप लोगों से पहले भी बोला है कि गांधी नेहरू की कांग्रेस अलग थी, आज की कांग्रेस अलग है। आपने देखा होगा दूसरी पार्टी जो केंद्र में अभी सरकार है, बीजेपी, वो कहती है कि मैं लाला लाजपत माफ करिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की विचारधारा पर चलने वाले व्यक्ति हैं। तो मुझे लगता है कि आपको देखने को मिलेगा कि उनकी विचारधारा पर बिल्कुल आपको दिखाई नहीं देगी। आप लोगों ने देखा होगा कि पहली जब नेहरू की मंत्रिमंडल का गठन हुआ तो उनकी मंत्रिमंडल में आप समझिए कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी स्थान दिया गया, भीमराव अंबेडकर साहब को भी स्थान दिया गया। आप लोगों ने यह भी देखा होगा कि उस समय इनके मतभेद थे, कई विचारधारा को लेकर कई ऐसे मुद्दे थे पर मतलब कि इनका मतभेद बने रहते थे, फिर भी नेहरू की मंत्रिमंडल में आप समझिए कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को होम मिनिस्टर बनाया गया। समझ रहे हैं? कानून मंत्री आपके भीमराव अंबेडकर साहब को बनाया गया क्योंकि वो उस क्षेत्र के ज्ञाता थे। और ये भी कहना गलत है कि देश, अगर भारत देश एक है तो इसमें सबसे बड़ा योगदान रहा है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब का, क्योंकि आप लोगों ने देखा है कि किस तरह से हमारी जो रियासतें थी अलग होना चाह रही थी, अलग देश बनाना चाह रही थी, लेकिन सरदार जो आपके वल्लभ भाई पटेल थे उन्होंने जो रणनीति अपनाई उसके कारण हम लोग एक हुए। लास्ट तक आप लोग देखते रहते हैं जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़, लास्ट तक अपनी आजादी के लिए लड़ते रहते हैं, आजाद होने के लिए हर संभव कोशिश करते रहते हैं, लेकिन उनकी जो भी उनकी एक तरह से चतुराई थी वो धरी की धरी रह गई। और भारत एक है और एक आगे भी रहेगा। चलिए खैर छोड़िए, ये तो उनकी बात है। आप जानते हैं कि हमारे देश के नेताओं को रोटी सेंकने की आदत है। वो जब आपने देखा होगा स्वतंत्रता सेनानियों को छोड़िए, आज हमारी सेना है जो, अगर हमारे सेना के शहीद होते हैं जवान तो उन पर भी वो रोटियां सेकते रहते हैं। अगर कोई गरीब मरता है, भूख से मरता है तो उन पर भी रोटियां सेकते रहते हैं। तो नेताओं को रोटियां सेकना मुझे लगता है कि आम बात है उनके लिए। हाल ही में आपने देखा होगा कि हमारे प्रधानमंत्री साहब ने लाला लाजपत राय को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है और हर वर्ष 28 जनवरी को लाला लाजपत राय की जयंती मनाई जाती है। कितना? 28 जनवरी को। मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, पता है? जैसे मान लीजिए कि मैं भगवान को मान रहा हूं और मैं मानता हूं कि भगवान ऊपर बैठ के सब कुछ देखते हैं, फिर भी मैं गलत करूं, फिर भी मैं गलत रास्ते पर चलूं, तो मुझे लगता है कि भगवान अगर सच में होते हैं और मैं मानता हूं तो मुझे इसकी सजा तो मिलनी चाहिए और मिलती वो होगी। लेकिन हमने देखा है कि आपने देखा है होगा कि हम लोग मानते हैं, हम किसी को जैसे मानिए कि हम सरदार आपके लाला लाजपत राय की विचारधारा को मानते हैं, तो मुझे लगता है कि या तो मुझे मानना नहीं चाहिए और मानता हूं तो उस विचारधारा पर चलना चाहिए। दिखावा करने का क्या मतलब है? खैर छोड़िए, इसमें भी कोई मतलब भी नहीं है। लाला लाजपत राय के बारे में अगर हम बात करें तो ये महानतम स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे। उन्हें पंजाब केसरी और पंजाब का शेर नाम से भी जाना जाता है। और याद रखिए आप लोग, कई बार ये इससे आपके प्रारंभिक परीक्षा में क्वेश्चंस भी बन जाते हैं। तो इनका दूसरा नाम क्या कह सकते हैं आप लोग? पंजाब केसरी या फिर पंजाब का शेर। उन्होंने लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज से कानून की पढ़ाई की थी और वे स्वामी दयानंद सरस्वती से प्रभावित होकर लाहौर में आर्य समाज में शामिल हो गए थे। उनका विश्वास था कि हिंदू धर्म में आदर्शवाद राष्ट्रवाद के साथ मिलकर धर्म निरपेक्ष राज्य की स्थापना करेगा।
बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक के साथ मिलकर उन्होंने चरमपंथी नेताओं की एक तिगड़ी लाल बाल पाल बनाई थी। ये हिंदू महासभा से भी जुड़े थे। और एक बात और आपको इंटरेस्टिंग बताऊं कि आप समझिए कि उस समय के जो भी स्वतंत्रता सेनानी थे, जो हमारे नेता थे, वो हर तरह से पढ़े लिखे थे। आज के आप अपने नेताओं को देखिए, कोई 8वीं फेल मिलेगा, कोई 10वीं फेल मिलेगा। और आप समझिए कि उस समय के कितने पढ़े लिखे लोग थे। भीमराव अंबेडकर के बारे में आप लोग कभी उठा के देख लीजिए, नेहरू के बारे में उठा के देख लीजिए आप लोग। समझ रहे हैं आप लोग? तो आप समझ सकते हैं कि आजादी के समय कितनी सारी समस्याएं थी, तो उनसे निपटा जा सका है क्योंकि उस समय के नेताओं में योग्यता थी, समझदार थे, सूझबूझ थी उनके पास। अब 8वीं पास आप समझ सकते हैं कि क्या निर्णय लेगा। आप समझिए, एक भ्रष्टाचारी को, एक आप बलात्कारी को, एक आप सोचिए हत्यारे को, अगर लोकसभा या राज्यसभा या फिर विधानसभाओं में जहां भी वो बैठेगा, उसकी सोच क्या रहेगी? उसकी सोच तो आप समझिए कि नेता बनने के बाद भ्रष्टाचार करने की है रहेगी। अभी सुन रहा था कि जिसे डायबिटीज है, यानी कि शक्कर खाने के लिए, चीनी खाने के लिए मना किया गया है, वो 5,000 क्विंटल शक्कर खा गया। आप समझ रहे हैं इस कहावत का मतलब कि हमारे देश में ऐसे भी नेता आपको आज भी देखने को मिल जाएंगे। लाला लाजपत राय, उन्होंने छुआछूत के खिलाफ अपना विरोध भी प्रदर्शित किया है। और इनके जन्म की बात करें तो 28 जनवरी 1865 को पंजाब के फिरोजपुर जिले के धूड़ी के नामक एक छोटे से गांव में हुआ था। इनका जन्म के बारे में भी याद रख सकते हैं। इनके योगदान की अगर आपसे बात की जाए तो राजनीति के क्षेत्र में अगर बात करें तो वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए और पंजाब के कई राजनीतिक आंदोलनों में उन्होंने हिस्सा भी लिया था। तो राजनीतिक आंदोलनों में हिस्सा लेने के कारण उन्हें 1907 में बर्मा भेज दिया गया था, लेकिन पर्याप्त सबूतों के अभाव में कुछ महीने के बाद वे वापस भी लौट आए थे। उन्होंने बंगाल विभाजन का विरोध भी किया था। उन्होंने वर्ष 1917 में अमेरिका में होम रूल लीग ऑफ अमेरिका की स्थापना की और इसके बाद इसके द्वारा अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए नैतिक समर्थन भी मांगा था। उन्हें अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अध्यक्ष भी चुना गया था। उन्होंने वर्ष 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में गांधी जी के असहयोग आंदोलन का समर्थन भी किया था। उन्होंने रोलेक्ट एक्ट और उसके बाद होने वाले जलियांवाला बाग हत्याकांड का विरोध भी किया था। उन्हें वर्ष 1926 में केंद्रीय विधानसभा का उपनेता भी चुना गया था, किन्हें? लाला लाजपत राय को। वर्ष 1928 में उन्होंने साइमन कमीशन के साथ सहयोग करने से इनकार करते हुए विधानसभा में एक प्रस्ताव रखा था क्योंकि आयोग में किसी भी भारतीय सदस्य को शामिल नहीं किया गया था और इसी के लिए आपने देखा होगा कि आयोग का बहिष्कार किया गया था, विरोध किया गया था। अगर सामाजिक क्षेत्र में इनके योगदान की बात करें तो उन्होंने अकाल पीड़ित लोगों की मदद करने, उन्हें मिशनरियों के चंगुल से बचाने के लिए वर्ष 1897 में हिंदू राहत आंदोलन की स्थापना की थी। उन्होंने वर्ष 1921 में सर्वेंट ऑफ पीपुल्स सोसाइटी की स्थापना भी की हुई थी। अगर साहित्य के क्षेत्र में बात करें तो उनके द्वारा लिखित महत्वपूर्ण साहित्यिक कृतियों में यंग इंडिया, ये भी पूछ लेता है आपसे, यंग इंडिया, इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया, इवोल्यूशन ऑफ जापान, इंडिया विल टू फ्रीडम, भगवत गीता का संदेश, भारत का राजनीतिक भविष्य, भारत में राष्ट्रीय शिक्षा की समस्या, डीप फ्रेस्ड ग्लासेस और अमेरिका का यात्रा वृतांत भी इसमें सहायता साहित्य मिलता। एक तरह से इनकी साहित्य भी है, इनके बारे में भी आप लोग याद रखिए। संस्थान की बात करें तो उन्होंने हिसार बार काउंसिल, हिसार आर्य समाज, हिसार कांग्रेस, राष्ट्रीय डेवी डीएवी प्रबंध समिति जैसे कई संस्थानों और संगठनों की स्थापना भी की थी और ए आई आर ए गजट के संपादक एवं संस्थापक भी थे। उन्होंने वर्ष 1894 में पंजाब नेशनल बैंक की आधारशिला भी रखी थी। आप जानते हैं कि पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब? 1894 में हुई थी। तो इनके बारे में जो भी इस तरह के महत्वपूर्ण तथ्य है याद रखा करिएगा क्योंकि क्वेश्चन आपका डायरेक्ट प्रारंभिक परीक्षा में भी पूछ लेता है या फिर कहीं इनके आप विचार भी लिख रहे हैं, इनका योगदान लिख रहे हैं तो वहां उदाहरण के रूप में ये भी लिख सकते हैं। इनके लास्ट समय की बात करें, मृत्यु की, तो 1928 में जब वे लाहौर में साइमन कमीशन के खिलाफ एक मौन विरोध का नेतृत्व कर रहे थे तो उन पर पुलिस अधीक्षक जेम्स स्कॉट द्वारा बेरहमी से लाठीचार्ज किया गया जिसमें वे गंभीर रूप से घायल हो गए थे और कुछ ही हफ्तों के बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। तो 1928 में
इनकी अंतिम समय रहा, यानी कि 1928 में ये आपका जो भी सूरज रहा डूब गया था। तो यही पॉइंट है आपके बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय के बारे में। इनके सहयोगी थे बाल गंगाधर तिलक, तो उनका भी नाम आ जाता है। ठीक,